हमारे साथ है एशिया डेली काम के 28 सितंबर की बैच। नाम बताइए अपना। निखिल। निखिल कुमार। नाम बताइए, कहाँ से? कुमार नेपाल से। सर विवेक कुमार। विवेक कुमार फैमिली से। कृष्णा सिंह एमपी से। अच्छा आप लोग ये बताओ आज आपकी काई की क्लास थी? लाइट आईसी की थी। जी सर। अब लाइट आईसी सारा सबका क्लियर हुआ? जी सर। लाइट आईसी सबका क्लियर हुआ? जी सर। कितने बोर्डों में ट्रेस किया आपने? जी सर। दो बोर्ड। अभी जो करंट में जितने भी मॉडल चल रहे हैं कोई सा पुराने से लेके नए तक कोई सर्किट छोड़ा क्या? सबको देखा ना ईमानदारी? वो भाई पीएमआई का हो, सर्किट वन हो, सर्किट टू हो, 12 लेग का हो, D8 हो, D9 हो, D6 हो, D7 हो, सबको किया ना हमने। जी सर। है ना, अभी कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर। खाली 3 फंडे पे पूरा लाइट बनाया हमने। जी सर। कोई सा भी सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो सर, हमारे 3 फंडे हमको चेक करने हैं, चेक करके हमारा काम हो जाएगा। वो भले उसके लिए हमको आईसी उतार के चेक करना हो, आईसी उतारेंगे हम, है ना, हम उसको ट्रेस पॉइंट को देखेंगे, ट्रेस पॉइंट ओके, आईसी दूसरी चेंज करेंगे, हमारा काम 101% हो जाएगा। प्रैक्टिकल किया आपने? जी सर। आज किसका किसी का ग्राफिक्स का सेट था ना, किसका था? जी सर। लाइव प्रैक्टिकल बनाया ना आप खुद ने? बनाया ना सर। और बताइए आपने जो अभी आपकी शाम की क्लास थी इसमें पूरा ट्रेसिंग किया ना? जी सर। नाम ये नाम क्या बताया आपने? निखिल। निखिल ये सर्किट आपने खुद अपने मन से बनाया ना? कुमार ये आपके मन से बनाया ना? ये आपके पूरा मन से बनाया ना? नाम बताइए अपना। शिवरतन। शिवरतन ये आपके मन से बनाया ना आपने खुद ने? आप बताइए सर्किट 1, 2, 3 सर्किट बनाया आपने खुद? आपने अपने आप से समझ के बनाया ना? समझ के बनाया आपने? पूरा समझ के बनाया? जी सर। आपने समझ के बनाया? जी सर। थोड़ा नाम बताइए अपना। मदन रावड़ा। मदन कहाँ से हो भाई? राजस्थान। खुद आपने अपने से बनाया ना? लाइव मोबाइल चालू मोबाइल से ट्रेस किए ना वोल्टेज? आपने खुद से ट्रेस करके बनाया ना? जी सर। जोगेंद्र सिंह। हाँ नाम बताइए। राजस्थान से। जी सर। कृष्णा बताइए। नाम बताइए। संदीप बोधवनी। नाम बताइए। शफिकुल शेख। कैलाश विद्यापति। आप उधर बताइए, थोड़ा आगे आइए। ये आपका खुद का सेट था आपने उसे ट्रेस करके बनाया? जी सर। MI5A में बनाया आपने? हाँ सर खुद ने बनाया। आप जैसा देख सकते हैं स्टूडेंट अपने खुद से मन से बनाए थे जब से आए हैं, जब से सेक्शन हमारे स्टार्ट हुए। जी सर आज से खुद ड्राइंग करते हैं और खुद बनाते हैं। सर ठीक है, कैसा रहा भाई एक्सपीरियंस आज का? बहुत अच्छा सर। लाइट और ग्राफिक्स पूरा हमारे दिमाग में आ गया। कल हमारी काई की क्लास है? जी सर। कल रिवीजन की क्लास है? रिवीजन एक जरूरी पार्ट है कि नहीं है? हम पूरा रिलैक्स होकर पढ़ते हैं कि मतलब कोई जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, मतलब एक दिन में 2-3 सेक्शन खत्म है और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसका पूरा का पूरा हमारा रिवीजन होगा। जी सर। एक रिवीजन का रिजर्व डे होना चाहिए ना? जी सर। है ना, हम लोग तो रिजर्व डे है हमारे, है ना, हम लोग अच्छे। कल हमारी रिवीजन की क्लास है, जितना भी हमने पूरा सेक्शन पढ़ा है उसका सबका रिवीजन होगा, है ना। अगर इनकेस अगर उसमें अंदर कोई हमारी अगर माइनर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इश्यू भी हमारा दूर हो जाएगा। जी सर। ठीक है। जी सर। ओके थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ये देखो ये आप देखो ध्यान से देखना, ये हमारा नोज कट पॉइंट था, मतलब ये गिनो ये क्या हो गया? फिर वही समझ में आ गया? आप पहले रुक जाओ, अब सबसे पहले ये चेक करते हैं ये D8 है कि नहीं है। क्या चेक करें? D8 है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? D8 में ग्राउंड बताओ कौन कौन सा पैड है? C2 और C3। C2 और C3 देखो गिनो। बोलो C2 C3 ये दोनों पैड केवल क्या होने चाहिए? चेक करो बीप के साथ, देखो बीप आ रहा है क्या? हाँ चेक कीजिए, ग्राउंड में डालो अपना। यहाँ पर देखो बीप आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। यहाँ पर ठीक है, ये बिट दिखाओ। देखिए इसको एक बार मैं चेक करके देखता हूँ। सब लोग देखिए यहाँ पर मैंने, आप ग्राउंड पर रखे नहीं थे भाई, तुम इस पर रखे थे और ये टेस्ट पॉइंट है, यहाँ रख देगा। देखो मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। बोलिए
ए डी सी वन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बी पाना चाहिए क्या सी वन? अब जी आर जी आर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ए वन का जी आर, ई एन का जी आर है, यहाँ आना चाहिए 300 से 800, कितना आना चाहिए? 300 आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? ऐसा दूर खड़े हो जाओ, मेरे को मत दिखाओ, ऐसा दूर खड़े हो, पब्लिक को दिखाओ। 300 से 800 का मतलब क्या है कि सीपीयू से कनेक्टेड है। अब वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो आप इजी पता। जी सर। हाँ सर। पर लाइन ब्रेकेज नहीं है। बात आप सबसे मेन जीआर चेक करते हैं एसजी और एससीएल का, किसका चेक करें? कितना होना चाहिए बताइए? 650। ठीक है, वेरी गुड। बॉल नंबर बताइए। बताओ कहाँ पर है, ये है क्या? बताओ कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, मतलब बिल्कुल रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। आप देखते हैं बीपीएच पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीपीएच का लाइन बताओ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं लाइट सेक्शन की हमारी क्लास है, और यहाँ आप देखिए कि जो जो सेट है ये एक ओप्पो का सेट है, और ये है ओप्पो का A57 जो कि स्टूडेंट का ही सेट है, और यहाँ पे स्टूडेंट के सेट में ही हम प्रैक्टिकल करवाते हैं। हमारे पास में कोई भी सेट नहीं होता है खुद से, हम सारे स्टूडेंट के ही सेट लेते हैं और लाइव उनके सामने डायग्नोस करते हैं। और जैसे कि अभी आपने देखा कि एक स्टूडेंट अपने सेट में, उनके सेट में लाइट का फॉल्ट है, देखिए जो आपको यहाँ पर सामने स्टूडेंट खड़ा में दिखेगा चश्मे में, वो हमारा स्टूडेंट है और उसको आप डेली भी देख रहे होंगे डे वन से। तो हम सारे स्टूडेंट से जितने भी हैं, हम का बोलते हैं पहले ही एक दिन पहले कि जितने भी लाइट के सेट हैं आपके पास में जिसमें लाइट का फॉल्ट है, वो सारे सेट निकाल के रखिए अपने, और हम वो सारे सेट को डायग्नोस करेंगे आपके सामने ताकि आप उसको बना सकें। और ऐसा लाइट के बाद में कोई सा भी ऐसा सेट नहीं छोड़ते हैं जो उनका बना नहीं, और फुल डायग्नोस हम क्लास में ही कर देते हैं। तो ये इसे टेलीकॉम में ही पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा है 12 घंटे का। और देखिए अब स्टूडेंट खुद बैठ गया है और हम उनसे आईसी भी उन्हीं से लगवाते हैं क्योंकि दोस्तों पहले ही हम 4 दिन में ही उनसे सीपीयू लगवा लेते हैं, तो ये छोटी छोटी जितनी भी आईसी हैं वो बहुत आसानी से लगा लेते हैं। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट लाइव डायग्नोस देखते हैं, और उसी के बाद क्योंकि ये थ्योरी क्लासेस है और ये हमारी 12 से 5 और 6 बजे तक चलती है, उसके बाद फिर हम 8-9 बजे तक हमारा प्रैक्टिकल सेक्शंस होता है जिसके बाद हमारा स्टूडेंट खुद ये अपने सेटों में प्रैक्टिस करता है। अगर किसी के पास सेट नहीं होते हैं तो हम अपने से उसको पीसीबी देते हैं, सेट देते हैं ताकि वो उसको डायग्नोस कर सके। दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई सेट नहीं लेके आया, मान लीजिए किसी के पास नहीं है तो हम अपने खुद से उसको सेट दे देते हैं। आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पे खुद ए D8 लाइट आईसी को लगा रहा है, और यहाँ पर हमने लाइट की बात नहीं, इससे पहले डिस्प्ले का भी हमने काम सिखाया, हमने ऑडियो का काम सिखाया, BSI हो गया, कॉम्प्रिंट हो गया, D1 से हमने फॉर्म भरने तक से क्लास हमने आपको दिखाई है लाइव प्रैक्टिकल। और अगर आपको डेली देखनी है हमारी नेक्स्ट डे की, कि हमारा अभी चार्जिंग सेक्शन भी हो चुका है, हमारा माइक सेक्शन भी हो चुका है, बहुत सारे सेक्शन हमारे कवर हो चुके हैं और उसके वीडियो भी हमने नहीं डाले हैं, अगर आपको देखना है तो आप फेसबुक में जाके लाइव इसको देख सकते हैं। ये देखिए हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन है, आप हमारी लैब देख रहे होंगे कितनी एडवांस लैब है, हर स्टूडेंट के पास में उनके सारे एडवांस लेवल पे टूल हैं, और किसी के भी स्टूडेंट को किसी कोई भी टूल को शेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अगर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टूडेंट अपने से खुद से ट्रेस करके अगर सर्किट को बनाता है और अपने कॉपी में उसको ड्रॉ करता है तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम नोट्स नहीं बनवाएंगे और नहीं लिखवाएंगे तो आज आप क्लास में तो कर लोगे पर क्लास से जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपके दिमाग में भूल जाओगे और आप फिर 50 कॉल करके अपने इंस्टीट्यूट में बोलोगे कि सर मुझे नहीं आ रहा है ये। तो यही चीज़ है कि नोट्स लिखवाए जाते हैं, कोई भी दिमाग में हम किसी भी चीज़ को स्टोर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उस पर प्रैक्टिस ना करें। और क्लास पर जाने के बाद में अभी तो प्रैक्टिस हमारे सामने है तो हम आपको 10 बार बता सकते हैं, पर क्लास पर जाने के बाद आपको नोट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू। चलिए देखिए क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैं रेडमी नोट 3 का लेक्चर, नोट 4 है वो, नोट 3 का बना। अच्छा नोट 3 का बनाया है, अच्छा अभी नोट 4 भी कर रहे हैं, नोट 4 डाइनेज कर। तो नोट 3 का चलिए बता दीजिए फिलहाल आपने क्या क्या किया है। सर इसमें मैंने सबसे पहले L3 कनेक्टर चेक किया, वहाँ पर 4 वोल्ट ढूंढे, उसका GR ढूंढा, ओके। फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा लाइट सेक्शन की और, ओके। तो मेरे को दिखा कि इसमें सर्किट नंबर 3 लगा हुआ जो डायरेक्ट PMI से है। अच्छा PMI
EMI का नंबर क्या है सर? 8953 8953 वेरी गुड। इसमें सर एक बूस्ट कॉइल लगा हुआ है ओके, और एक डायोड लगा हुआ है उसके साथ ही एक कैपेसिटर लगा हुआ हाई वैल्यू। ये सब चेक करके बनाए कि ऐसे ही बना दिया है? चेक करके बनाया। बोर्नियो से बना दिया क्या? नहीं नहीं, बोर्नियो का जरूरत ही नहीं इसमें। ऐसे देख करके बनाया, ट्रेस करके बनाया ओके। फिर इसमें सर ऑफ कंडीशन में इसमें सारे वोल्टेज आ रहे हैं बीबेट से, बीपीएच से ओके, 3.7 वोल्टेज आ रहे हैं। और बाद में जब इसको ऑन किया तब इस पे बूस्ट वोल्टेज बने हैं जो कि 17.2 वोल्टेज बने हैं। चेक किया था आपने? हाँ सर चेक किया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। समझ में आई लाइट सेक्शन? आ जाए कैसे रहते हो सर की क्लास? अच्छी सर, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। चलिए इधर देखिए। तो क्या कर रहे हो अभी आप? जी सर MI5A का लाइट सेक्शन। 5A कौन सा सर्किट लगा है इसमें? ये सर सेकंड सर्किट है, सर्किट 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो सर्किट 2 में आप थोड़ा सप्लाई बता दीजिए। 6 लेग का जी सर, ये अपना इसमें 4 वोल्ट की आ रही है सर। इसमें इनका इनपुट है 4 पिन, 6 में सर, 6 और 4 में सर। स्विचिंग की लाइन है ये 4, और इसमें इनपुट जी सर। और क्या होता है यहाँ से जुड़ा हुआ डायोड सर, क्या होता है जिसमें एक डायोड के बाद एक 50 वोल्ट ये आएगा सर, कैपेसिटर ओके, और उसी का डिस्प्ले में आएगा जी सर। जी सर वही अभी और भी कर रहा हूँ सर। अच्छा, और भी अभी कर भी रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो क्या किया आज आपने? जी सर मैंने MI4A का जी सर, 4A का ये आपने किया। चालू फोन था ये? जी सर चालू है। तो इसके वोल्टेज वगैरह भी चेक किए? कहाँ कहाँ पे कितना वोल्टेज मिला दिखाइए, इसमें दिखा दीजिए जो डायग्राम आपने बनाया। जी सर हमारा ये 6 नंबर है, VIN है जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, BPH की लाइन है। इसमें 4 वोल्टेज आता है और इसमें से एक कॉइल गई है जो बूस्ट कॉइल होता है सर, बूस्ट कॉइल है, बूस्ट कॉइल है। उसके बाद ये डायोड है, डायोड जो हमारा यहाँ से स्विचिंग करता है, स्विचिंग करने के बाद यहाँ आता है। तो हमारा डायोड 3.36 वोल्ट बनाई है। अच्छा। सर यहाँ पे हमारा 50 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है हमारा सर जी सर 13 ओम का है। ये जो आपने चेक करके बनाया कि ऐसे बना दिया? चेक करके बना सर, मेरा जितने भी कंपोनेंट आपने ट्रेस किया है और ये कनेक्टर तक आपने ट्रेस करके बनाया कि ऐसे बना दिया? पूरा ट्रेस करके बनाया है। और सर हमारा LED है जो हमारा एनोड की लाइन जी सर, और हमारा NC है जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये हमारा ग्राउंड है जी सर। और हमारा EN है जो 1.8 वोल्टेज होता है, जो फोन चालू होने के बाद हमारा CPU स्विच करता है, तो हमारा यहाँ पे 1.8 वोल्टेज। तो ये सारा चीज समझ के किया है कि ऐसे ही बना दिया? मैंने पूरा ट्रेस करके किया। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप भी ट्रेस कर रहे हैं लाइट सेक्शन? चलिए बताइए, आज किस सेक्शन थी? आज कौन सा सेक्शन था? लाइट सेक्शन था। लाइट सेक्शन में सारे सर्किटों का नॉलेज दिया गया कि केवल? सारे सेक्शन का सर्किट नॉलेज दिया गया। आपने जो बनाया है ये नोट 4 का बनाया है, तो क्या क्या कुछ समझा दीजिए? ये PMI IC है, PMI से आ रहा है। अच्छा, ये पहचान में अब आ रहा है PMI, PML या हमारा 6 लेग या हमारा 12 बॉल, ये सब बताया गया जी? ओके चलिए बताइए, एक्सप्लेन करिए। PMI है, इसका इनपुट आता है BPH में, लाइन आता है बूस्ट कॉल में, उसका स्विचिंग होके आता है ये कॉइल में, उसके बाद वो जेनो डायोड है, उसके बाद कैपेसिटर है, वो जाता है जैक पर, रिसेट जैक पर। ये सब चेक करके बनाया आपने? जी सर। वोल्टेज भी चेक किया? चलिए कैसा लग रहा है अभी? अच्छा। अब लाइट सेक्शन कोई भी आएगा बना पाएंगे? जी मेहनत करेंगे, ट्रेस करेंगे तो सारा चीज हमें। चलिए आज किसकी क्लास थी? डिस्प्ले लाइट। तो क्या क्या काम किया बता दीजिए सुबह से? कौन सा सर्किट है बस इतना? MI4 का किसमें जा रहा है? अपने डिस्प्ले कनेक्टर में। नहीं, कौन सी IC में जा रहा है? PMI 8952। ट्रेस किया आपने? चलिए इधर देखिए, आज किसका सेक्शन था? आज डिस्प्ले लाइट। लाइट का किसमें किया आपने? सब PMI में। तो आप देख सकते हैं सब लोगों ने अलग अलग फोनों में किया हुआ है। 3S प्राइम में किया? 3S में किया आपने? हाँ सर, 3S में। 3S में किया है। तो ये अपना 3S किस में जा रहा है? ये सर PMI में 8952। ये चेक करके आपने किया है? बिल्कुल सर। इसमें जो कॉइल लगा हुआ है, डायोड लगा है, फिर कैपेसिटर लगा है, ये सारा चीज चेक किया है आपने? बिल्कुल सर। ये सारी चीजें मिली है कि नहीं मिली? कैसा लग रहा है क्लास अभी आपको? और भी जो आपको लाइट सेक्शन, ऐसा नहीं कि केवल आपको कॉलकॉम बताया गया, जो भी लाइट सेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग। इधर दिखाइए PM, कौन सा फोन है ये आपका? नोट 4 का फोन है। कौन सा ऐसी लगी है? PMI 8940। ओके, और ये जो आपने बनाया हुआ है सारी चीजें, यहाँ पे डायोड और यहाँ पे जो कैपेसिटर और यहाँ पे बूस्ट कॉइल, ये BPH, ये स्विच SW की लाइन हो गई,
और यहाँ पे जा रहा है। ये सारा चीज ट्रेस करके बनाया कि ऐसे ही बना दिया है? ट्रेस किया है, अभी भी ट्रेस कर रहा है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ग्राफिक्स अगर ग्राफिक्स और लाइट में अगर कोई प्रॉब्लम आया उसे सॉर्ट आउट कर लोगे? ये फोन में ग्राफिक्स का भी था प्रॉब्लम। अच्छा, ग्राफिक्स आपका खुद का है ये? और इसमें डुअल कोर जो है निकल गए थे। ओके, वो भी चेक कर रहे हैं। ओके, लाइटिंग का तो हो गया। चलिए ठीक है। क्या कर रहे हैं, कौन से फोन पे काम कर रहे हैं? नोट फोर। नोट फोर। चलिए नोट फोर पे आप भी कर रहे हैं, तो इसमें पीएमआई कौन सा लगा है? पीएमआई। चलिए ठीक है, प्रेस करिए। चलिए इधर देखिए, तो ये बताइए आज किसकी कौन सा सेक्शन था? आज लाइट सेक्शन। ये कौन सा मॉडल है? 5A का। 5A का मॉडल। ये जो आपने बनाया है तो ये सारी चीज चेक करके बनाया की चेक कल का उतार दिया आपने? नहीं, चेक आज किया ये सारी चीज। आज तो ये कौन सा सर्किट है? लाइट कौन सा है? सेलेक्ट में सर्किट टू, सर्किट वन, सर्किट टू। सर्किट टू है तो इसमें चार और छह हमारा इनपुट हो गया। ये सारे चीजें बूस्ट कॉइल और ये डायोड और ये कैपेसिटर, ये हमारा रजिस्टर, ये सारा मिला हुआ कि नहीं मिला? मिला। एनोड की लाइन है ये? एनोड, एलईडी एनोड, एलईडी। ये सब कुछ मिला है यहाँ पे? सब कुछ। जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो चार वोल्ट हमें कहाँ कहाँ पे मिलेगा? एक दो यहाँ पे, यहाँ पे और कनेक्टर पे। तो हमारी बीपीएस लाइन सही है? सही है। ये सारी चीज चेक किया आपने? ओके, चलिए ठीक। चलिए तो क्या कर रहे हैं अभी आप? लाइट कौन सा मॉडल है ये? Y2 है। Y2? हाँ, लाइट एसी नहीं है, पीएमआई एसी है। दीपक सर पीएमआई। तो ये पीएमआई का है? हाँ सर। तो इसमें कनेक्टर है आपका? हाँ, ये जो आपने पूरा बनाया हुआ है डायग्राम, तो ये चेक करके बनाया कि कहीं से देख के उतार दिया? चेक किया, चेक करके बनाया। हाँ, तो कौन सा सर्किट है इसमें? पीएमआई 8940 लगी है। ये सारा चीज कॉइल, इसके डायोड, सारा चीज चेक किया आपने? हाँ, सर। अगर यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हमें चार वोल्ट आना चाहिए थोड़ा बताइए चेक करके? पीएच में, इसमें बता दीजिए। इसमें जो है ना कॉइल 9 पिन। हाँ, इसी में बता दीजिए। आईसी के 9 पॉइंट पे। ओके, वहाँ पे 4 वोल्ट आना चाहिए और 6 वोल्ट पे। ओके, और एलसीडी कनेक्टर के यहाँ पे भी आना चाहिए? आना चाहिए सर, तभी जाके हमारा बीपीएच लाइन सही है। सही रहेगा। उसके बाद बीपीएच नहीं बनता है तो हमें पीएमआई चेंज करना है या बूस्ट कॉइल या डायोड, ये सारी चीज बताया गया आपको? हाँ सर। कैसा लगी क्लास? अच्छी लगी। जो सर के पढ़ाने का तरीका कैसा? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए जी इधर देखिए। तो क्या किस बोर्ड पे काम कर रहे हैं आप? तो ये नोट 7 पे। नोट 7? हाँ, 7 आप देख सकते हो। कौन सा सर्किट लगा है सर इसमें? ये पीएमआई। पीएमआई लगा हुआ है। पीएमआई का नंबर क्या है? अच्छा, अभी आपने नहीं देखा। हाँ, तो पीएमआई में ये क्या क्या चेक करना है वो सारा चीज आपको पता चला है यहाँ पे? हाँ सर। ट्रेस कर रहे हैं अभी आप? ट्रेस कर रहे हैं अभी सुबह। अभी ये 5A का ट्रेस किया है सर पूरा। 5A का ट्रेस कर दिया है? हाँ सर। चलिए ठीक है। चलिए, ये ऐसा तो नहीं कल का बना दिया आपने? कल का दिखा दिया, अभी बना है। कौन सा फोन है ये? ये Redmi 4 है। Redmi 4 है। कौन सा सर्किट है? 6 लेग वाली लाइट है। 6 लेग का। 6 लेग में कौन सा है? सर्किट 2, सर्किट 1? सर्किट 2 है। सर्किट 1 और सर्किट 2 पहचान में आ रहा है? चलिए, तो सर्किट 1 में जो भी आईसी का इनपुट है, ईएन है, ये सारा चीज आपको पता चला है? बिल्कुल सर। तो आपकी जो आईसी है ये आपने बनाया हुआ है, ये 6 और 4 और ये रजिस्टर, ये कॉइल और ये कनेक्टर, ये सारे कुछ ट्रेस करके बनाया कि ऐसे बना दिया? ट्रेस करके बनाया। चलिए ठीक है। हाँ जी, आज किसकी क्लास थी सर? आज डिस्प्ले लाइट की थी। तो आज आपने किस फोन पे काम कर रहे हैं? 5A का सर। 5A पे काम कर रहे हैं। एक सेकंड, कौन सा सर्किट है इसमें सर? ये सेकंड सर्किट है। 6 लेग का सर्किट जी सर। जी, तो इसमें क्या क्या इनपुट होता है, क्या ईएन होता है, कहाँ पे स्विचिंग होता है, कहाँ पे ग्राउंड होता है, कौन सी सीएबीसी की लाइन होती है, सब कुछ पता है आपको? जी सर, जी सब पता है सर। कनेक्टर पे सारा कुछ यहाँ पे चेक करके जो आपने बनाया हुआ है? एक पार्ट लिखा है सर मैंने, एक पार्ट लिखा है जो भी लगे हैं। ये डायोड सब कुछ चेक करके बना रहे हैं? जी सर। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है सर इसी? सर हमने लाइट सेक्शन बनाया। आज किस क्लास थी? लाइट आईसी क्लास थी जी सर। तो ये लाइट आईसी कौन सा फोन है ये? ये MI 4X का है। 4X का कौन सा सर्किट है? 8952 लगी थी। 8952। हाँ, ये जो आपने सारा चीज बनाया हुआ है कहीं से देख के उतार दिया क्या? लैपटॉप बाजू में रखा है? अरे नहीं सर, उसने चेक करके बनाया। आपने से ट्रेस करके बनाया है? बनाया। ये सारा कनेक्टर तक कंटिन्यूटी मिली है आपको? कंटिन्यूटी मिली, वोल्टेज भी मिले। ओके, चलिए ठीक है, करिए।
क्या कर रहे हो अभी आप? मैं एक रेडमी वाई वन का वाई वन लाइट ऐसी टेस्ट किया। सारा कुछ चेक करके बनाया आपको? कैसा लग रहा है अभी क्लास आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? अभी लाइट जलने का पूरा रास्ता मालूम हो गया। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है। चलिए जी, आप क्या कर रहे हैं? कौन सा फोन का कर रहे हैं? नोट फाइव। नोट फाइव का कर रहे हैं? कौन सा सर्किट लगा है नोट फाइव में? नोट फाइव में कौन सा सर्किट लगा है? पीएमआई पीएमएल सिक्स लेग कौन सा लगा है? पीएमआई। पीएमआई लगा हुआ है। चेक कर पा रहे हैं ये? जी सर। चलिए चलिए जी, आप कौन से फोन पे कर रहे हैं? थ्री एस पे कर रहे हैं जी। कौन सा सर्किट लगा है? पीएमआई। पीएमआई लगा हुआ है तो पीएमआई में सारा चीज कहाँ पे इनपुट क्या बूस्ट वोल्टेज ये बूस्ट कैपेसिटर क्या होता है ये सारा चीज पता चला आपको? चलिए ठीक है, टेस्ट करिए। आप किस पे कर रहे हैं? डे एट प्रैक्टिकल क्लास MI4A। कौन सा सर्किट है इसमें? सर्किट वन है सर्किट टू है? सर्किट टू है सर। सर्किट टू सर्किट वन पहचान में आ रहा है जी सर। सर्किट टू में क्या होता है? सर्किट वन में क्या होता है बताइए तो। सर्किट टू में जैसे बूस्ट पहले इसका सर जगह चेंज छह और चार होता है और वन में क्या होगा? वन और सिक्स में हो जाएगा। ये जो आपने डायोड बनाया है कैपेसिटर बनाया है फिर कनेक्टर तक लेके गए फिर सारा चीज आपको चेक करके बना रहे हैं कैसे ही बना रहे हैं? सब सारा कुछ चेक कर रहे हैं। बीप आ रहा है कंट्रीटी आ रहा है वहाँ पे। चलिए आप क्या कर रहे हैं किस फोन पे? MI4X है। 4X है। कौन सा सर्किट लगा है? पीएमआई है। पीएमआई का नंबर क्या है? 8952। लाइट सेक्शन समझ में आ रहा है आपको? छह लेग हो पीएमआई हो अगर जो भी हमारा सर्किट है सब क्लियर हो रहा है। चलिए आप किस पे काम कर रहे हैं? 5A सर। 5A पे काम कर रहे हैं। कौन सा सर्किट लगा है? सेकंड सर्किट टू छह लेग की। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ रही है कहाँ कहाँ पे हमें चार वोल्ट आना चाहिए फिर बूस्ट वोल्टेज कब बनेगा ये सारा कुछ आपको पता है? सिक्स और फोर पे। सिक्स और फोर पे वेरी गुड जी सर। चलिए ठीक है जी, आप क्या कर रहे हैं? एक सेकंड लाइट कर रहे हैं। तो कौन से मॉडल पे कर रहे हैं? 4A। ऐसा तो नहीं आपने बाजू वाले से ले लिया क्योंकि 4A यहाँ पे सब जगह दिख रहा है। 4A तीन पीस है। अच्छा तीन पीस है। सिक्स प्रो का तीन पीस। कौन सा सर्किट लगा है? सेकंड सर्किट टू लगा हुआ है। तो इसमें सर्किट टू में जो आपका ये एनोड की लाइन है एनोड की लाइन में क्या क्या मिल सकता है वो सारा चीज आपने ट्रेस किया हुआ है चेक करके बना रहा है जी सर। चालू फोन है? फोन चालू नहीं है लेकिन वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज आ रहा है। जीआर सब चेक होना है। चलिए ठीक है, आप क्या कर रहे हो? सर्किट ट्रेस कर रहे हैं। कौन सा मॉडल का? 4A का कर रहे हैं। कौन सा लगा हुआ है सर्किट? सर्किट टू है। ओके चलिए करिए, आप क्या कर रहे हैं? वीवो का कर रहे हैं Y53। कौन सा सर्किट है? पीएमआई 8952। तो ये सारा चीज जो बूस्ट वाले डायोड मिल रहा है आपको? हाँ सर। और ये कनेक्टर तक कंटिन्यूटी आ रही है? आ रही है। कैसा लग रहा है ओवरऑल क्लास? अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो ये हमारी है प्रैक्टिकल की क्लास। आप देख सकते हैं डेली, अभी कल ग्राफिक्स था आज लाइट है, कल इनकी जो क्लास चलेगी रिवीजन की क्लास चलेगी, तो सारा चीज डेली का डेली लाइव आते रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से लेके 4G CPU से लेके आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किया उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया निकाला क्लीन किया वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूँ, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?